नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-23। इसके अलावा आप 022-23-01635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मार्केट का ताजा हाल है क्या। तो गोल्ड में और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और एमसीएक्स पर गया है। और इस वक्त अगर एमसीएक्स पर गोल्ड की तो आप देखिए कि जो एमसीएक्स का वायदा है करीब करीब 125 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और चांदी में भी कमजोरी आई है, सितंबर का वायदा 500 रुपये से ज़्यादा लुढ़का है चांदी का। करंट कॉन्ट्रैक्ट भी करीब करीब 450 रुपये नीचे है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब सवाल यह है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन इस गिरावट पर बाइंग की जाए अगले 6 घंटे के लिए या अवॉइड किया जाए, क्या किया जाए। ये बताने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और साथ ही हमारे साथ प्रियांक उपाध्याय हैं, SSJ कमोडिटीज के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, क्या किया जाए आज की गिरावट पर, आज के लिए किस तरह का ट्रेड लिया जाए। गुड इवनिंग मित्र। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड को एक स्ट्रांग रीजन चाहिए तेजी आने के लिए। हमने कल नो डाउट पिछले हफ्ते देखा कि COVID-19 के सेकेंड वेव के कंसर्न के चलते प्राइजेस में गेन आया, बट इंटरनेशनल में जब तक आप समझिए कि 1750 या 1745 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है कि प्राइजेस फिर से $1720 तक आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में गिरावट का रुख रहेगा। कल भी हमने मॉर्निंग आवर्स में तो पॉजिटिव देखा, बट एक इवनिंग सेशन में गिरावट फिर से आते हुए देखा। इन दी एब्सेंस ऑफ कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं है और जो डेटा आ रहा है वो डॉलर के लिए मजबूत है, मुझे लगता है कि गोल्ड को बेच के चलना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में 47,300 की रेंज में बेच के चलिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 47 तोड़कर 46,800 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। आपका क्या व्यू है प्रियांक जी गोल्ड के ऊपर? जो हमने तेजी देखी है गोल्ड में, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड का है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1745। आपको रोकना चाहूंगा, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, हम दोबारा आपको कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन केडिया जी, अब आप ये बताएं कि सिल्वर में क्या होने वाला है, क्या चांदी में आज के लिए कोई ट्रेड लिया जाए? मित्र, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक ही पाथ पे चल रहे हैं। जिस ढंग से हमने सिल्वर में भी देखा कि मार्केट ने $18 का लेवल ब्रीच किया बट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो अनलेस एंड अंटिल $18 का लेवल तोड़ के होल्ड नहीं करते, पॉसिबिलिटी के 17-20 तक इंटरनेशनल में। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि करीबन 47,500 से लेकर 46,500 तक के भी लेवल चांदी में देखने मिल जाएंगे। नो डाउट बेस मेटल में जो तेजी है उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट है चांदी को, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो रैली बुलियन में आनी थी वो हमने ऑलरेडी देख चुके, अच्छा डेटा या फेड की जो आउटकम थे वो भी आ चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है सोने चांदी में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर अगले एक हफ्ते और चलता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये राय आपके लिए सोने और चांदी के ऊपर कि आपको आज के लिए करना क्या है। लेकिन कच्चे तेल में भी तेज गिरावट के बाद अब रिकवरी आ गई है। सवाल ये है कि क्रूड की ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्योंकि फंडामेंटल के मोर्चे पर कुछ बदला नहीं है। अब आप देखिए कि जिस तरह की खबरें आई हैं कि अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है कोरोना का, और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड का कंज्यूमर है, लिहाजा अगर अमेरिका में डिमांड घटती है तो क्रूड में गिरावट की आशंका बनी रहेगी। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टॉक को लेकर के अमेरिका से, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली खबर आ रही है कि अमेरिका में क्रूड का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में अजय जी, क्या लगता है आपको, क्रूड में हर रिकवरी पर, हर तेजी पर शॉर्ट करना ही ठीक है, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ बाइंग भी की जा सकती है, क्या मानते हैं?
बिल्कुल मित्र, जो आपने पॉइंट बताया काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें मैं ऐड करने जाऊंगा कि पिछले टाइम पे हमने देखा था कि कुछ जैसे नाइजीरियन ऑयल कंपनीज या लीबिया में कुछ कंपनीज थी जिनका प्रोडक्शन मार्केट में बिल्कुल नहीं था, अब वो भी रिस्टोर होना चालू हो गया। सऊदी का जो स्टेटमेंट था वो काफी इंपॉर्टेंट था मंडे के दिन कि हमने हमारे एंड के जो कोटा है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो हम फर्दर कट नहीं करेंगे आगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा डील था। उसके बाद मंडे ऑनवर्स ही हमने गिरावट आती हुई देखी। साथ में एज ऑफ नाउ अगर कोविड-19 का सेकेंड वेव हिट करता है तो कहीं ना कहीं फिर से हम जो अप्रैल मंथ में सिनेरियो देखा वैसा भी कुछ बन सकता है। और अभी भी आप देखिए जो ग्लोबल डिमांड है वो करीबन 100 मिलियन बैरल की, जिसमें 30 मिलियन बैरल की डिमांड निकली थी, उसके बाद हमने ये हैवॉक आते हुए देखा। और सेकेंड वेव आता है तो डेफिनेटली अभी भी एक खतरा बना हुआ है। तो टाइमिंग एक $40 का लेवल जब तक ब्रांड तोड़ के होल्ड नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है नीचे में हम $32 से $33 तक के भी लेवल ब्रांड में देख पाएंगे। तो बेटर है कि बाय साइड्स बचना चाहिए। वॉलिटिटी रहेगी बट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। बेटर रहेगा सेल ऑन रैली करके चलना चाहिए। आज के सेशन की अगर बात करें तो हमें बेच के चलना चाहिए, नीचे में 2700 से 2750 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये रहा है कच्चे तेल पर आपके लिए, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। लेकिन इस वक्त एक कमोडिटी मार्केट के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि बुलियन और मेटल इंडेक्स को मंजूरी मिल गई है, MCX पर इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी, और लॉट साइज यहाँ पर तय किया गया है, 50 टिक साइज 1 रुपये का तय किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉट साइज होगा वो 50 का तय किया गया है, कैश सेटल होगा ये जो इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो फर्स्ट एक्सपायरी है बुलियन इंडेक्स की वो अगस्त में होगी, और बेस मेटल फ्यूचर इंडेक्स की जो एक्सपायरी है वो अक्टूबर में होगी। ये इस वक्त की ताज़ा खबर आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट पर। अजय केडिया जी, पहले तो आप ये बताएं कि क्या क्या फ़ायदा होगा, पहले आप डिटेल में समझाएं कि ये बुलियन इंडेक्स और मेटल का इंडेक्स है क्या, इसमें ट्रेड कैसे होगा। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स अगर हमारे दर्शकों की बात करें तो हम ऑलरेडी निफ्टी के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो हमको मालूम है एक निफ्टी का एक बैरोमीटर है 50 क्रिप्ट का, और उसको अगर हम बाय करते हैं तो डेट मीन्स ये 50 स्टॉक्स के अंदर हम तेजी देख रहे हैं। तो सेम वे अभी तक हम कमोडिटी की बात करें तो ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था। अगर हमको ट्रेड करना है पूरे बुलियन कॉम्प्लेक्स में तो आई थिंक आई कॉम्प्लेक्स जो अभी लॉन्च हुआ है बुलियन के लिए वो काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है। और खास करके इम्पोर्टेंट इसमें दो फैक्टर रहेगा, जैसा अभी आपने बताया कि एक तो लॉट साइज प्राइस टिक और साथ में कैश सेटल्ड है, जिस ढंग से निफ्टी में हमने देखा एक वॉल्यूम ड्राइवर का काम करता है पूरे मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को अगर ट्रेड करना है इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में जाने के बजाय इंडेक्स काफ़ी बेटर रहता है। तो सेम वे कमोडिटी का भी अगर ये इंडेक्स जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा तो आई थिंक एक वॉल्यूम ड्राइवर रहेगा, जो हमने 2013 के बाद देखा कि वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा एक शार्प ड्रॉप आया था। अब नए ब्लड मार्केट में आने की उम्मीद है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी वेलकम स्टेप है। और हमने ऑलरेडी देखा है सेबी जब से प्रीव्यू में आई है कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी स्टार्ट है ही है कमोडिटी में। तो आई थिंक इंडेक्स फ्यूचर पे ट्रेड होना एक नया ब्लड और साथ में सबके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी बनेगा ट्रेड करने के लिए। हेजिंग के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग कॉर्पोरेट जो हेज करते हैं उनके लिए भी कमोडिटी में हेज करना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने, प्रियांक जी आपका क्या कमेंट होगा, क्या आपको लगता है कि ये इंडेक्स की लॉन्चिंग से, बुलियन और मेटल के इंडेक्स की लॉन्चिंग से जो छोटे ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं कमोडिटी मार्केट में, उनको कुछ फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, इससे एक डेफिनेटली फायदा रहेगा। जिस तरह से हमने देखा है कि इक्विटीज में निफ्टी में जिस तरह का वॉल्यूम होता है वही पाथ पे कमोडिटी इंडेक्स का ये लॉन्च भी है, और मुझे लगता है कि इससे डेप्थ भी बढ़ेगा, मोर पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, तो एक वेलकम स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक वेलकम स्टेप है राइट डायरेक्शन। अजय केडिया जी, आप जरा ट्रेड की बारीकियां बताएं। आप जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर मार्केट में, मान लीजिए अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है इंडिविजुअल कमोडिटी में, मान लीजिए गोल्ड में ही, तो एक लॉट गोल्ड में ट्रेड करना महंगा पड़ेगा या इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स और फ्यूचर के अगर हम कंपेयर करें तो ट्रेडिंग करना कहाँ पर सस्ता पड़ेगा, इंडेक्स में या इंडिविजुअल कमोडिटी में? डेफिनेटली मुझे लगता है कि कॉस्ट वाइज अगर हम कंपैरिजन करें, पहला चीज़ है लॉट साइज काफ़ी छोटा है,
कैश सेटल्ड है, सबसे पहले अगर फ्यूचर में कोई भी हम ट्रेड करते हैं तो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आगे जाके डिलीवरी में आएगा तो मार्जिन स्पाइक्स रहता है इसमें। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन कम है, आज अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीबन 4 लाख के आसपास का मार्जिन है, वॉलिटिटी है, और इसमें क्या है कमोवेश दो तीन कमोडिटी का एक बेस रहता है, तो ज़्यादा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलिटिटी नहीं रहेगी इसके अंदर, और कैश सेटल होने की वजह से इसका एंट्री अच्छा रहेगा। और साथ में कॉस्ट वाइज भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिविजुअली हम गोल्ड में जो ट्रेड करते हैं या जो कॉस्ट पे करते हैं उसके कंपेरेटिव में काफ़ी चीप रहेगा। तो आई थिंक ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा सभी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी, क्योंकि गोल्ड में मार्जिन बड़ा होने की वजह से भी काफ़ी एक एंट्री बैरियर हो जाता है गोल्ड में ट्रेड करना। और आई थिंक अगर ये इंडेक्स में करेंगे तो सभी काउंटर्स के बेस मेटल के भी हैं और बुलियन के भी है, तो एक इजी वे हो जाएगा पूरे असेट क्लास को हम ट्रेड करना, और कॉस्ट वाइज काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ओके ठीक है प्रियांक जी, अब आप एक सलाह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कमोडिटी में जो नए ट्रेडर हैं, मान लीजिए जो अभी अभी आए हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर जिनको अभी आना है, तो उनको पहले इंडेक्स में ट्रेड शुरू करना चाहिए या इंडिविजुअल कमोडिटी में? प्रियांक लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय जी आप क्या, आपका क्या जवाब होगा इस सवाल पर? मुझे मुझे लगता है कि कमोडिटी की जो एंट्री हुई है इंडिया में काफ़ी देरी से हुई है, आज भी लोगों को इक्विटी जल्दी समझ में आता है। तो जैसे निफ्टी में ट्रेड होता है काफ़ी लोगों को मालूम है कि निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाता है, तो आई थिंक इंडेक्स वुड बी दी बेस्ट थिंग, क्योंकि इंडेक्स से एटलीस्ट वो एंट्री कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है मैकेनिज्म हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक इंडेक्स वुड बी दी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे उनको स्पेशलाइज चीज़ समझ में आती है कि हाँ पर्टिकुलरली मुझे गोल्ड में ज़्यादा तेजी है, तब वो इंडिविजुअल में जाए, कमोडिटी में बेटर मेरे हिसाब से इंडेक्स रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और प्लस लोगों को पता है आज जब इक्विटी में ट्रेड करते हैं उनको पता है निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, तो सेम वे यही टाइप के इंडेक्स अब कमोडिटी में भी आ चुके हैं, चाहे एग्री की बात करें चाहे एमसेक्स की बात करें, तो आई थिंक इंडेक्स से उनको स्टार्ट करना चाहिए। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा ठीक है, मृत्युंजय, कि हमारे साथ अगर सुगंधा सचदेव भी जुड़ चुकी हैं इस वक्त रेलिगेयर की। सुगंधा जी बहुत स्वागत है आपका। अभी भी खबर ये आई है कि एमसीएक्स पर इंडेक्स में ट्रेड को मंजूरी मिली है और खास करके बुलियन और मेटल का इंडेक्स यहाँ पर शुरू होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है इंडेक्स को? गुड इवनिंग मृत्युंजय, डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम मार्केट को डेवलप होता हुआ देखेंगे, कमोडिटी मार्केट को। आई थिंक काफी सारे इन्वेस्टर्स का काफी टाइम से इसके लिए वेट था। इसमें हमारी 70% तक की वेटेज गोल्ड के लिए रहेगी, जो एक हमारी प्राइमरी कमोडिटी है और हमारे इन्वेस्टर्स की काफी हद तक गोल्ड के लिए एफिनिटी है। तो इससे हमारी ट्रेडिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जिनको कमोडिटी मार्केट के बारे में अभी कम नॉलेज है एंड दे हैव बीन ट्रेडिंग इन निफ्टी। इससे अब हमारी कमोडिटी मार्केट में भी अगर एक इंडेक्स होगा तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारे सारे मेटल्स एंड एनर्जी इंडाइसेस की, सॉरी कमोडिटीज की, और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने की उम्मीद है यहाँ से। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि किस तरह का पार्टिसिपेशन होगा, रिटेल का होगा या बड़े ट्रेडर का होगा? आई थिंक मृत्युंजय, मुझे लगता है दोनों ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, रिटेल भी इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स भी, बिकॉज एक जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वो इससे काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट का रुझान किस तरफ से है। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो हमें पूरी इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन नजर आता है या हमारी मार्केट का ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी तरीके से जो हमारे एमसीएक्स के इंडाइसेज होंगे उससे पूरी कमोडिटी मार्केट की फील मिलेगी इन्वेस्टर्स को कि डायरेक्शन, ओवरऑल जो ब्रॉडर डायरेक्शन है वो किस तरफ है। और मेजर वेटेज सिंस गोल्ड को है तो हमारी जो प्राइमरी कमोडिटी है जिसमें काफी हद तक इंटरेस्ट है सारे इन्वेस्टर्स का और बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स दिए, अगर हम पिछले एक साल की भी बात करें तो गोल्ड ने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी इट्स होल्डिंग वेरी स्टेडी, सो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि मेटल इंडेक्स में या बुलियन के इंडेक्स में यहाँ पर ट्रेड किया जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चलिए बहुत शुक्रिया सुगंधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। लेकिन प्रियांक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो मार्केट के फंडामेंटल हैं, जो मार्केट में लिक्विडिटी का कंडीशन है,
उसको देखते हुए कितना ज्यादा पोटेंशियल अभी आपको इंडेक्स फ्यूचर में लग रहा है? देखिए, इंडेक्स फ्यूचर डेफिनेटली एक चीज प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि ट्रेडिंग सिंप्लीफाई हो जाएगा। आज अगर किसी को गोल्ड में पोजीशन लेनी है या सिल्वर में पोजीशन लेनी है या इनफैक्ट क्रूड में लेनी है या कोई भी मेटल्स में लेनी है तो एक इंडिविजुअल स्टडीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या एक क्लब होके एक इंडेक्स बन जाएगा तो इट्स मोर ईजी टू ट्रेड, और अगर इसमें डेप्थ अच्छा मिलेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और मैं देखता हूं कि आगे चल के इसमें इवन ऑन द इंस्टीट्यूशन साइड एंड बिग प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे एंड रिटेल पार्टिसिपेशन भी इसमें बढ़ेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी मार्केट ठीक इंडेक्स के लिहाज से ठीक है मार्केट, और इसमें आपको लगता है कि भागीदारी बढ़ेगी, तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कमोडिटी मार्केट के लिए कि मेटल में और बुलियन के इंडेक्स में ट्रेड को मंजूरी मिल गई है। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम एक बार फिर से लौटते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। हमने बुलियन की, हमने गोल्ड की बात कर ली है, सिल्वर की बात कर ली है, क्रूड की बात कर ली है, लेकिन मेटल का मार्केट आज शाम के कारोबार के लिहाज से अजय केडिया जी आपको कैसा लग रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहिए? मुझे लगता है बेस मेटल में मैं पहले काफ़ी बताया था कि तेजी काफ़ी रह सकती है। कॉपर 412 के ऊपर 440-50 देख रहे थे तो ऑलमोस्ट हमने 450 का लेवल देख चुके हैं। तो मुझे तीन कमोडिटी जो सबसे अच्छी लग रही थी वो कॉपर, जिंक और निकल है, बट अब मुझे लगता है कि मार्केट ओवरड्राइवन हो चुके हैं। एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए बेस मेटल तैयार है, नो डाउट। अभी भी चाइना से जो स्टिमुलस की घोषणा हो रही है या इकोनॉमी अनलॉकडाउन हो रही है, बट मुझे लगता है COVID-19 के कंसर्न की वजह से नेक्स्ट वीक बेस मेटल के लिए नेगेटिव रहेगा। खास करके कॉपर की बात करें तो अनलेस एंड अंटिल 452 का लेवल नहीं तोड़ता या 450 के ऊपर नहीं जाता है, एक पॉसिबिलिटी है करेक्टिव डिप मिल सकता है 430 तक का लेवल कॉपर में। वहीं जिंक में भी हमने देखा 164-165 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कॉपर, जिंक और निकल तीनों ही काउंटर में मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में करेक्शन का मोड रहेगा, जो डाउनसाइड में 430 तक का लेवल कॉपर में, 156-157 का लेवल निकल अपना जिंक में, और 940-45 का लेवल हम निकल में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपके लिए मेटल पर। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर, ये कॉपर में फिलहाल करंट रेट में क्या करना चाहिए, शाम के 6 घंटे में प्रॉफिट हो जाए? कॉपर पर करंट रेट में क्या करना चाहिए 5 से 6 घंटे के लिए, बताइए प्रियांक जी। देखिए, कॉपर में अभी अराउंड 443 के लेवल्स है। अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर नेक्स्ट 6 आवर्स का ट्रेड देखे तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में 440-439 ये रेंज तक आ सकता है। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करते हैं तो 440-439 के आसपास तक कवर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। नो डाउट 440 से लेके 438 काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स है, तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके अगर पोजिशनली किसी को लॉन्ग करना है तो वो लेवल्स पे लॉन्ग भी किया जा सकता है। ठीक है, अलीम हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए अलीम जी। कलीम स्टॉक है मेरे पास में। सलीम है, हाँ जी पूछिए। सवाल है मेरा अजय खेड़िया जी से, कपास कली 3000 का भाव हो जाएगा फिजिकल में सीजन एंड तक? मैक्सिमम अपसाइड कितना है बताइए केडिया जी। कपास कली का भाव क्या 3000 तक जा सकता है फिजिकल में, इस बात की कोई संभावना आपको दिख रही है? डेफिनेटली जब हम 1700-1800 पे थे तब मैंने एक एनालिसिस जो हमारी बता रही थी तो वो तो एकदम 2300-2400 तक का ही लेवल दिखा रहे थे, और जिस ढंग से रिवीजन हुआ है क्रॉप में मुझे लगता है प्राइजेस में बिल्कुल चांस है, बट 3000 नहीं देख रहे हैं हम लोग एज ऑफ नाउ। तो देख रहे हैं कि 2300 तक जाने के बाद एक बड़ा करेक्शन लेगा प्राइजेस, जो वापस 1900 का लेवल दिखाएगा, वहां से आप बाइंग करके चलिए। जो 2800-2850 के ऊपर मेरे को जाता हुआ नहीं लग रहा, सितंबर तक आपको 2850 तक मिल जाएगा, क्योंकि इस बार सोइंग के अभी डेटा आने काफी बाकी है। नो डाउट गुजरात एरिया में हमने थोड़ा ड्रॉप देखा है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सीजन लास्ट ईयर जैसा तो नहीं है, बट हाँ 2850 तक एज ऑफ नाउ करंट फंडामेंटल बताते थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मानसून अभी ऑनगोइंग है सामने, तो थोड़ा वेट कीजिए अब जून एंड तक का, बट ओवरऑल 2850 के प्लस आपको भाव दिख जाएंगे कॉटन सीड ऑयल के। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 2850 तक का भाव यहाँ पर दिख जाएगा,
इस बीच गोपाल जुड़ रहे हैं राजस्थान से, पूछिए गोपाल। सर नमस्कार। सर जी सवाल है, गुआर सीड पे, गुआर सीड हाजिर में पड़ा है 100 बोरी, तो ये 5,000 हो जाएगा क्या? ग्वार सीड 5,000 हो जाएगा क्या? अजय जी देखिए, गवार के हमने हर भाव देखे हैं, हमने नीचे 3,000 का भी भाव देखा है, तो ऊपर में 5 के भी भाव देखे, उसके ऊपर भी देखे। टाइमिंग मुझे लगता है इनको वेट करना चाहिए एक बार मानसून का आगे का कैसे आउटलुक है उसके ऊपर, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर जुलाई मिड तक की बात करें तो करीबन 3850-3900 तक का लेवल दिख रहा है। 4,000 का लेवल एक बार तोड़े और मानसून का आगे का आउटकम कैसा रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेटर है जुलाई 15 तारीख तक वेट करें, उसके बाद का जो सीनेरियो है फिर हम वापस रिवर्क करके आपको बताएंगे, बट टाइमिंग 3850 का आप लेवल पकड़ के चलिए जुलाई मिड तक। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए एग्री में आपकी टॉप पिक अजय जी? देखिए पूरे एग्री में सबसे मेरे को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए चेना। चेने में मुझे लग रहा है कि 4,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है, थोड़ा सा लंबा टाइम रखूंगा मैं 2 महीना, उसमें मुझे लगता है 4,500 का लेवल भी क्रॉस कर जाएगा। पर्टिकुलरली अगले हफ्ते की बात करें तो जीरे में ध्यान रखिए, 14,000 का लेवल जिस ढंग से तोड़ा था प्राइजेस आज के सेशन में, अगले हफ्ते में मुझे लगता है 14,400-15,000 तक का लेवल मिल जाएगा। सोयाबीन में मुझे गिरावट लग रही है कि वापस नीचे में 3650 तक का लेवल देखने मिल जाएगी। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आप अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मुझे लगता है 2-3 दिन में हमने देखा है गोल्ड हायर लेवल्स पे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, करंट मार्केट से भी गोल्ड बेचा जा सकता है। इमीडिएट हर्डल जो रहेगा 47,000 का है, बट ये लेवल भी तोड़ के 46,800 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। ओके, आपकी कॉल प्रियांक जी। हमारी पिक कॉपर में रहेगी, एक करेक्शन की राह देखनी चाहिए और डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 440-438 जोन्स में, 433 शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा, वो स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और टारगेट्स शॉर्ट टर्म के लिए 451 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल केडिया जी। पूरे बेस मेटल में पिछले 15 दिन में हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी, अगला हफ्ता भी खराब लगता है उसमें, खास करके जिंक की बात करूंगा। थोड़ा भी बाउंस मिलता है 62 तक बेच के चले, इमीडिएट टारगेट तो 60 का है, बट 160 का लेवल तोड़ देता है आज के सेशन में भी तो तुरंत आपको 157-158 तक के भी लेवल मिल जाएंगे।